सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन हमेशा की तरह। एंड आई एम बैक विथ अनदर न्यू टेस्टी मजेदार रेसिपी क्रिस्पी चिली पटेटो के साथ। तो आज हम लोग बनाएंगे क्रिस्पी चिली पटेटो। तो आप लोग तो कभी ना कभी मतलब बाहर जाके कभी भी घूमने जाते हो रेस्टोरेंट वगैरह में तो 200-250 रुपये दे के फ्रेंच फ्राई खाते हो, है ना? हाँ, मुझे पता है। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद दवा के साथ कहता हूँ कि आप लोग घर पे भी बना सकते हो रेस्टोरेंट जैसा फ्रेंच फ्राई। और फ्रेंच फ्राई से हम लोग बनाएंगे क्रिस्पी चिली पटेटो। तो दोनों डिश बनाएंगे आज, मतलब एक ही डिश है। पहले फ्रेंच फ्राई बनाएंगे, उसके बाद फ्रेंच फ्राई से हम लोग क्रिस्पी चिली पटेटो बनाएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखने पड़ेगा, स्किप करना मत, क्योंकि हर एक पल कीमती है। और एक चीज़, नया नया चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और भी नया नया वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो चलिए बिना वक्त जाया करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो क्रिस्पी चिली पटेटो। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द घंटा आइकॉन, क्योंकि जब जब मेरा नया वीडियो आएगा आपके फोन पे पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो क्रिस्पी चिली पटेटो। सो गाइस, पहले तो लेंगे हम लोग पटेटो और उसको ऐसे इस तरह से ना उसको एक स्क्वायर शेप दे देंगे। हमने 4 पटेटो यूज किया है। तो इस तरह से स्क्वायर शेप देने के बाद हम लोग इसको करेंगे स्लाइस, ऐसे फिंगर कट करना है। पहले इस तरह से स्लाइस करेंगे, मतलब हर एक पीस ना ऐसे इक्वल होना चाहिए, मतलब देखने में फिर अच्छा लगता है। तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से इसको स्लाइस कर लेंगे और उसके बाद इसको फिंगर कट करेंगे इस तरह से। तो गाइस, पटेटो काटने के बाद इसको लेंगे एक बॉल में, उसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ज़्यादा मत डालना, नहीं तो पकौड़ा जैसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा हल्का सा कॉर्नफ्लावर डालना। और क्योंकि हमने आलू पहले ही धो के रखे थे, धो लिया था काटने के बाद, तो उसमें पानी ऑलरेडी थोड़ा सा था, तो उसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग इसमें सॉल्ट भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्ट ऐड करेंगे तो क्रिस्पी नहीं होगा ज़्यादा और सॉल्ट पानी भी छोड़ता है। तो इस वजह से हम लोग अभी सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे, फ्राई होने के बाद करेंगे सॉल्ट ऐड। तो ऑयल हो रखा है गर्म, इसमें डालेंगे जो पोटैटो हमने अभी मैरिनेशन किया है। मीडियम हीट पे रखेंगे ऑयल को और कर लेंगे इसको फ्राई। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक मिज़ा रेडी कर लेते हैं क्रिस्पी चिली पोटैटो का। उसके लिए पहले बेल पेपर लेंगे, येलो बेल पेपर, जूलियन कट करेंगे इसको। तो इसके बाद लेंगे रेड बेल पेपर, उसको भी करेंगे जूलियन कट। हमने कैप्सिकम पूरा एक लिया है और उसको करेंगे स्लाइस। ऑनियन भी एक पूरा लेंगे और उसको करेंगे स्लाइस। ऑनियन काटने के बाद हम लोग लेंगे स्प्रिंग ऑनियन। स्प्रिंग ऑनियन का जो नीचे का हिस्सा होता है वो हम करेंगे, उसको डालेंगे जो मिज़ा है उसमें, और जो ऊपर का है उसको बाद में हम लोग गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो रखा है पोटैटो हमारा फ्राई, आपका फ्रेंच फ्राई हो गया रेडी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट छिड़किए और कर दीजिए सर्व। हो गया आपका रेस्टोरेंट जैसा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा रेस्टोरेंट जैसा, है ना? तो अभी कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल और उसमें डालेंगे 3 स्पून गार्लिक, 1 स्पून जिंजर और 2 रेड चिली। अब इसमें डालेंगे हम लोग जो मिज़ा काट के रखे थे उसको डालेंगे और करेंगे अच्छे से टॉस्ट। थोड़ा सा टॉस्ट करने के बाद इसमें डालेंगे हम लोग केचप। थोड़ा सा टंगी टेस्ट है तो इसलिए केचप थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे इसमें। तो उसके बाद डालेंगे हम लोग जो पहले हमने रेड चिली पेस्ट करके रखे थे उसी को डालेंगे। तो इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद अनुसार।
और अब इसमें डालेंगे स्टॉक वाटर। आप ऐसे नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा विनेगर, ज़्यादा नहीं, हाफ टी स्पून विनेगर इसमें ऐड करेंगे और उसको करेंगे अच्छे से टॉस्ट। तो थोड़ा सा और केचप इसमें ऐड करेंगे, मैंने पहले ही बताया था टेंगी टेस्ट होगा, तो इसीलिए थोड़ा केचप और ऐड करेंगे जब आलू डालेंगे उससे पहले। तो पहले आलू, उसके बाद आलू डाल देंगे हम लोग केचप डालने के बाद। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। अभी जो स्प्रिंग ऑनियन हमने काट के रखे थे नीचे के हिस्से, वो भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो रेडी हो गया हमारा क्रिस्पी चिली पोटैटो, नाउ सर्व टाइम। सो गाइस, आपको रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट पे, और फ्रेंच फ्राई कैसे बनाते हैं वो भी सिखा दिया, तो घर पे बनाइए और खाइए और बताइए कमेंट पे कैसा लगा। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना भूलना मत। सो गाइस, बन गया हमारा क्रिस्पी चिली पोटैटो, और मैंने बताया था कि आपको कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप घर पे बना सकते हो फ्रेंच फ्राई रेस्टोरेंट जैसे स्टाइल में, है ना। तो आपको अगर रेसिपी पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना भूलना मत और कमेंट में बताओ कि आपको रेसिपी कैसा लगा, घर पे ज़रूर ट्राई करना, है ना, एकदम मुझे पता है करोगे। बाकी मैंने पहले भी बताया था कि नया चैनल है, तो आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है कि नया और वीडियो बनाने के लिए। तो जाते जाते एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और फिर मिलते नया एक वीडियो में नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।